नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अमेरिकन सिटीजन से कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाला एक और आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया है। आरोपी अमेरिका से डॉलर के हवाले के माध्यम से भारत में भेजते थे। वहीं अब तक क्राइम ब्रांच द्वारा 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अहमदाबाद के एजेंट रवि रामी को गिरफ्तार कर इंदौर क्राइम ब्रांच जल्द इंदौर लेकर आएगी। क्राइम ब्रांच DCP मनीष अग्रवाल के मुताबिक नवंबर 2020 में ओके सेंट्रल बिल्डिंग निपानिया में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई कर पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI से इंदौर पुलिस ने इनपुट साझा किया था और अमेरिकन जांच एजेंसी ने ही इंदौर पुलिस को ये बताया था कि आरोपियों द्वारा सोशल सिक्योरिटी नंबर के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को धमकाकर उनके साथ आरोपियों द्वारा मोटा रुपया लिया जाता था। इस पूरे कॉल सेंटर से पहले कई आरोपी इंदौर क्राइम ब्रांच में आ चुके हैं। मास्टरमाइंड को पहले ही क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अमेरिका से डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करके अहमदाबाद के आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। नवंबर 2020 में जब इंदौर पुलिस द्वारा अमेरिकन जांच एजेंसी की जानकारी के आधार पर जब इंदौर के निपानिया पर फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा था, उस वक्त पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में इस पूरे कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड करण भट्ट उस वक्त फरार हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ समय पहले एक कॉल सेंटर में पकड़ा गया था, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से डरा धमका के और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके जो है उन पर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के अलग अलग तरीके से बातें बना के उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। उसमें एक मुख्य उसमें एक आरोपी था रवि रामी नाम से, जो कि काफ़ी समय से फरार था। और उसका बेसिकली काम जो था वो अमेरिकन्स जो वहाँ पे डॉलर में वहाँ पे पेमेंट्स करते थे कुरियर्स को, उस कुरियर से उस पैसे को एक हवाला चैनल्स के थ्रू जो है उसको इंडिया लाने का काम जो है व्यक्ति करता था। तो उसमें जो है इसको रवि रामी को भी अहमदाबाद से पकड़ा गया है और इससे आगे पूछताछ कर रहे हैं कि किस चैनल्स का इसने इस्तेमाल किया है और जो है उसको उस डॉलर में जो इनको पैसे वहाँ मिलते थे उसको किस तरह से ये इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाते थे। सर, तो पहले भी अमेरिकन एजेंसी आई थी यहाँ पे, तो क्या एजेंसी से कुछ कांटेक्ट चल रहा है कि कितने हमारा कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा था मेल के? नहीं, FBI से हम लोग संपर्क में हैं और जो है इसमें इस तरह के कॉल सेंटर भी हाल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने भी पकड़ा है और इसी व्यक्ति के कुछ साथियों को जो है दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने भी पकड़ा है, तो उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो है इसमें ये मुख्यतः ये पूरा रैकेट जो है ये अहमदाबाद से ही चल रहा है और इसमें अभी और जानकारी जुटा रहे हैं। सर, सिर्फ अमेरिका या अदर कंट्रीज को भी टारगेट करते ऐसा कुछ अभी तक आया? नहीं, अभी तक तो US को ही टारगेट इन लोगों ने कर रखा था। पूर्व में कितने आरोपी पकड़ा चुके हैं? पूर्व में इसमें करीब 20 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और वो लगभग अभी सभी जेल में हैं। उसमें जो मुख्य जो उसमें मास्टरमाइंड्स थे वो लगभग सभी जेल में। अभी कितने लोगों को टारगेट किया कुछ आंकड़ा है? इन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को टारगेट किया हुआ है और उसमें काफी उन्होंने करोड़ों की ठगी कर रखी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।